मध्य प्रदेश में मतदान जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जेत में अपना वोट डाला। उनके साथ उनके धर्मपत्नी साधना सिंह, पुत्र कार्तिकेय चौहान और कुणाल चौहान ने भी मतदान किया। शिवराज सिंह ने कहा कि हम हर बहन को लखपति बनाएंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिग्गज नेता भी मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत में अपना वोट डालने पहुंचे। साथ में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना सिंह, पुत्र कार्तिकेय चौहान और कुणाल चौहान भी मौजूद रहे। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज बोले, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, बहनों की आमदनी कम से कम 1,00,000 रुपए सालाना होगी। हर बहन को हम लखपति बनाएंगे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूँ कि बहनों की आमदनी कम से कम 1,00,000 रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है, 15,00,000 बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुके हैं। हर बहन को लखपति बनाना यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए सीएम राइज स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं हर 25 गांव के बीच में। अब हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, ताकि गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और किसान बेटा बेटियों को भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है और बाकी लगातार प्रयत्न जारी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।